हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। आज मैं ईवीएस का, इससे पहले मैंने वीडियो डाला था ज्योग्राफी का, लेकिन पेपर वन और टू दोनों के लिए साथ साथ लेके चलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि डेट पता नहीं कब आ जाए, इसलिए प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो आज ईवीएस थर्ड क्लास से स्टार्ट करते हैं हम ये, और साथ साथ टाइम मिलेगा जैसा करते जाएंगे, सिक्स का भी करते जाएंगे, सिक्स से एट तक का भी, सेकंड पेपर के लिए और थर्ड का भी। ठीक है, चलिए। आज मैंने ईवीएस वन लाइनर के रूप में लिया है और फिर कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये थर्ड क्लास से स्टार्ट होता है। सबसे पहला, कई बार प्रश्न आता है कि बच्चे का पहला स्कूल क्या है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल, यानी हमारा परिवार, तो परिवार ही बच्चे का क्या है, पहला स्कूल होता है। ठीक है, फिर है होम मीन्स अ प्लेस वेयर वी लिव। तो आपको पता होगा कि जो थीम है हमारी ईवीएस में, वहाँ परिवार भी एक थीम में आता है, घर। तो होम मीन्स अ प्लेस वेयर वी लिव, यानी घर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ इमोशनल वैल्यू ऑफ अ पर्सन अटैच्ड टू इट, तो इससे जुड़े व्यक्ति का भावनात्मक मूल्य है घर। यहाँ पे एक्चुअली क्या बताया गया है कि आपको घर और होम में डिफरेंस बताया गया है कि घर का मतलब क्या होता है और होम का मतलब क्या होता है। तो सॉरी, होम, घर का मतलब तो होम ही होता है, लेकिन हाउस और होम में डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए कि घर वो होता है जहाँ लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और हाउस भौतिक भवन को संदर्भित करता है कि कोई व्यक्ति विशेष रूप से अलग रहता है, अकेला रहता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वह घर जहाँ कोई फैमिली ना हो, हाउस कह सकते हैं उसको। लेकिन घर, घर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस यहाँ से भी प्रश्न आता है कि होम और हाउस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि क्लियर हुई होगी। फिर है आपका, पीपल ऑफ हांगकॉन्ग यूज्ड टू ईट लिंग हू फैन, अ डिश मेड अप ऑफ स्नैक, यानी ऑफ स्नैक, यानी कि हांगकॉन्ग के लोग लिंग हू फैन, सांप से बनी डिश खाते हैं। तो हांगकॉन्ग आपको पता है चाइना में है। ठीक है, और चाइना के लोग सांप खाते, कई जगह के लोग सांप खाते वैसे तो, लेकिन लिंग हू फैन नाम की एक डिश है। लिंग हू फैन हर स्टेट की एक कोई फेमस डिश होती है, वैसे ही लिंग हू फैन नाम से जो डिश फेमस है वो किससे बनी होती है, प्रश्न ऐसे आ जाए तो आप बता देंगे सांप से बनी होती है, लेकिन कहाँ के लोग या कहाँ की फेमस डिश है, तो वो है आपके हांगकॉन्ग की। ठीक है, और अब नेक्स्ट है, इन गोवा, केरला, तमिलनाडु, द फूड और सी फूड इज़ जनरली कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, मतलब जो समुद्र के किनारे जो भी स्टेट हैं वहाँ पे जो खाना पकाया जाता है आमतौर पे, वो नारियल के तेल में पकाया जाता है, या फिर सी फूड कह सकते हैं, नॉर्मल खाना और सी फूड, समुद्री भोजन जैसे मछली है। ठीक है, और समुद्र में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जो लोग खाते हैं, वो सब किस में पकाए जाते हैं, नारियल के तेल में। ठीक है, तो ये कहाँ पकाया जाता है नारियल के तेल में, गोवा में, केरल में और तमिलनाडु में, जबकि जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई जाती है मछली। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आपको हो सकता है वो जोड़ी मिलाने के लिए दे दें कि कहाँ कौन किस चीज़ में पकाया जाता है, या फिर ऐसे ही पूछ लें कि गोवा में तो नारियल के तेल में पकाया जाता है और जम्मू कश्मीर में किस चीज, कौन से तेल में पकाया जाता है, तो वो होगा आपका सरसों का तेल। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली मैंने टॉपिक ले लिए हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। इन केरला कोकोनट एंड टैपियोका इज यूज्ड एज अ फूड, यानी केरल में क्या है, नारियल और टैपियोका का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। टैपियोका बनने के बाद साबुदाने जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये केरल में खाया जाता है। और
टेप्यूका का भी प्रश्न कई बार आया है पेपर वन में। अब दूसरा है, अवर फेस शोज डिफरेंट बिहेवियर्स इन डिफरेंट इमोशंस टू, दस इट इज़ सैड टू बी एज अवर मिरर। यानी हमारे जो चेहरा होता है अलग अलग भावनाओं में अलग अलग व्यवहार दिखाता है, तो इस प्रकार यह क्या है हमारे दर्पण के रूप में कहा जाता है। जैसे दर्पण यानी शीशे में हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसी तरह से हमारा चेहरा भी हमारे अंदर क्या भाव हैं उन्हें व्यक्त करता है। हम खुश हैं, दुखी हैं, चिड़चिड़े हैं, गुस्सा में हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वो हमारे भाव व्यक्त कर देता है। कहते हैं ना, चेहरे से पता चल रहा है आज तो तुम दुखी हो, परेशान हो, बड़े खुश हो। हम मुँह से ना भी बोलें तब भी हमारा फेस ये एक्सप्लेन कर ही देगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, टेंशन में है तो ये सारी चीज़ें, हमारा चेहरा इसीलिए दर्पण कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। तो डांस हमारे यहाँ के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हम करते हैं, उनमें क्या होता है, इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग। यानी डांस दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भावस। तो हम नृत्य के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। एक्चुअली डांस क्या है, आपने भरतनाट्यम, कथकली, ये सारे डांस होते हैं, उनमें क्या होता है नृत्य में क्या है, हाथों और चेहरे का भाव उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा किया जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। जैसे इस तरह की मुद्रा वगैरह बना के हम डांस करते हैं तो वो हमारे भाव व्यक्त करते हैं। और हम मुंह से गाना ना भी गाएं तब भी पता चलता है कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर है आपका, हैव क्रेस्ट ऑन हेड एंड लव टू डांस इन रेन। मतलब क्या है कि सिर पे मुकुट होता है और बारिश में नाचता है, तो कौन नाचता है, मोर। फिर है, ईट चिलीज एंड गुआवा एज वेल एज कॉपी ह्यूमन वॉइस। तो वो कौन है जो मिर्ची और अमरूद खाना पसंद करते हैं और आवाज़ की नकल करते हैं। किसकी आवाज़ की, आपकी आवाज़ को इमिटेट बोल सकते हैं, आपकी तरह जैसे आप बोलते हो, तो वो तोता होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, फिर है आपका कि हैव ग्रे फेदर एंड पिंक लिंब। यानी कि सलेटी पंख और गुलाबी पैर होते हैं, वो है होता है आपका कबूतर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है, क्रिएट होल इन ट्रंक विथ वीक। तो अपनी चोंच से जो पेड़ में छेद करता है उसको कहते हैं कट फोड़वा। इसलिए इसको हिंदी में काट मतलब लकड़ी और फोड़ फोड़ के उसमें छेद कर दे तो वो हो गया आपका कट फोड़वा। ठीक है, और इंग्लिश में भी वुडपैकर, सेम ही मतलब, कई सारी चीज़ों के मतलब तो उनके नाम से ही निकल आते हैं। नेक्स्ट है, हैव नीडल लाइक बीक। तो अपनी चोंच से जो पेड़ में छेद करते हैं, नहीं कांचेदार पूंछ, ये कहाँ गया इसका, ये टेलर वर्ड का हो बता रहे हैं, यहाँ शायद वो लिखना, इसमें शायद लिखना भूल गए हैं या कितना, हाँ तो टेलर वर्ड होती है, मैं बता देती हूँ, टेलर वर्ड जो होती है वो अपनी चोंच से ही क्या है, पत्तियों में छेद कर करके पत्तियों को सी के अपना घोंसला बनाती है, वो होती है आपकी टेलर वर्ड। ठीक है, फिर है कि ग्रूप्ड टेल एंड ईट माइस। तो जिनकी चोंच खांचेदार पूंछ और चूहे, ये कहाँ गलत लिख गया है, चूहे खाते हैं, ईट माइस लिखा है ना, तो इंग्लिश हिंदी पर इतना ध्यान मत दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्या है, ये चूहा खाता है और इसकी पूंछ कैसी होती है, खांचेदार ग्रुप्ड। तो ये कौन होता है, ये आपका होता है ईगल। ठीक है, ये आपका ईगल यानी गरुण। फिर है, ईट डेड बॉडीज। तो मरे हुए को कौन खाता है, वल्चर खाते हैं, गिद्ध। इसीलिए गिद्ध को ना नेचर का सफाई करता भी कहा गया। ठीक है, नेचर को क्लीन करता है गिद्ध, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों को खाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, कार्निवोरस वर्ड। तो कार्निवोरस वर्ड उनको कहते हैं जो मांस खाते हैं, जो पक्षी मांस खाते हैं वो कौन से होते हैं आपके, कार्निवोरस। और उनकी चोंच कैसी होती है, प्रकृति में मनुष्य, जीव जंतु जैसी जो चीज़ खाते हैं उसके दांत और उसकी चोंच उसी तरह से बनाई हुई है, ताकि वो उनको खाने के लिए उस तरह से सुटेबल हों, आसानी हो उन्हें खाने में। तो उनकी मजबूत झुकी हुई चोंच होती है, स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक, जो मांसाहारी होते हैं, ताकि मांस फाड़ने में
वो लगेगा ना ताकत, इसलिए इनकी चोंच मजबूत और झुकी हुई होती है इस तरह से, जैसे ईगल हो गया आपका, वल्चर हो गया, है ना। फिर है नेक्स्ट आपका ग्रेनिवोरस। ग्रेन का मतलब होता है अनाज या फिर बीज, जैसे गेहूँ चावल वगैरह। तो ग्रेनिवोरस वर्ड वो होते हैं जो बीज खाते हैं, जैसे ये पक्षी दिख रहे हैं ना। तो और इनकी चोंच कैसी होती है, शॉर्ट रोबस्ट वीट, यानी छोटी और मजबूत चोंच होती है, क्योंकि अनाज को कुतरने के लिए मजबूत तो चाहिए और छोटी छोटी, ताकि अनाज पकड़ में आ सके। छोटी चोंच से अनाज आसानी से पकड़ आ जाएगा, इसलिए इनकी चोंच छोटी और मजबूत होती है, जैसे चिड़िया वगैरह दाना चुनते हैं ना वैसे ही। फिर आता है आपका फ्रगीवोरस। फ्रगीवोरस वो पक्षी होते हैं जो सिर्फ फल खाते हैं ना, कुछ जैसे क्या है, कोयल आम वगैरह खा जाते हैं ना, बेर, इस तरह से फल खाते हैं ना कुछ पक्षी। तो और ये शॉर्ट कर्ब्ड बीक, उनकी चोंच कैसे होती है, छोटी होती है और घुमावदार होती है, ठीक है। तो ये आपका हो सकते हैं, ये आपको दिख रहे हैं इस तरह से। तोता मिर्ची खाता है, वो भी एक तरह से फल ही है। फिर है आपका नेक्टोरी होरस। नेक्टर मतलब, नेक्टर मतलब यहाँ आम्रतकौर वक्षी लिखा है, लेकिन नेक्टर होता है फूलों से जो रस चूसते हैं ना, जूस, हनी, ये सारे नेक्टर से चूस के, हनी नेक्टर से ही बनता है। तो नेक्टरीवोरस वर्ड वो होते हैं जो फूलों का रस चूसते हैं, ठीक है। तो उनकी चोंच होती है पतली लंबी, जैसे ये है हमिंग बर्ड है, तो ये क्या है, इनकी चोंच कैसी होती है, पतली और लंबी, ताकि वो फूलों से रस चूस सकें आसानी से, उनको फूलों से रस चूसने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस वर्ड। तो इंसेक्टिवोरस वर्ड वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को, कुछ पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, देखा होगा आपने। तो उनकी चोंच कैसी होती है, उनको कीट पक्षी पौधा कहा जाता है, और इनकी चोंच होती है शॉर्ट वाइड एंड फ्लैट, यानी कि छोटी चौड़ी और चपटी, ठीक है, जैसे कि ये। फिर है आपका धातुओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडालियंस, स्टैचूज और कैनावॉल्स, कैनन बॉल्स एंड कॉइन्स। तो ब्रॉन्ज धातु है, उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, स्टैचू बनते हैं, कॉइन्स सिक्के वगैरह बनते हैं, यानी कि ये कांस्य, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य। तो कांस्य का उपयोग, कांसा, जिसका हम प्रयोग पानी पीने में भी करते हैं, पानी पहले भी करते थे, आज भी कई लोग पीते हैं कांसे के बर्तन में रख के पानी, क्योंकि इसका रखा हुआ पानी काफ़ी हेल्दी बनाता है, हमें फ़ायदेमंद होता है। तो कांसे का उपयोग पदक, मूर्तियाँ, तोपों और सिक्कों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, अभी भी होता है, पहले भी होता था। फिर है आपका ब्रॉन्ज, ब्रास एंड स्टील आर द एलॉयज, यानी कि ये जो सारी धातुएं हैं ना, वो मिश्र धातु हैं, ये सिर्फ अकेले एक धातु से नहीं बन सकती हैं, बनेंगी तो जैसे सोना होता है, यदि उसको भी आप अकेले बना दो तो उसके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, यानी कि ज्वेलरी गहने, तो कितने सॉफ्ट होते हैं, तुरंत मुड़ जाते हैं। तो इसलिए उसमें भी हम दूसरी धातु मिला के बनाते हैं, ताकि वो थोड़े से मजबूत हो सके। उसी तरह से ये सारी धातुएँ हैं, ये भी अकेले नहीं बनती हैं, इनमें दूसरी धातु मिलाई जाती है ताकि ये मजबूत बन सकें थोड़ा सा, ठीक है। फिर है अलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ रेशियो। तो मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु का मतलब है कि एक अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व के मिश्रण हैं। तो ये धातुएं दो या उससे अधिक, कम से कम दो तो होती ही हैं, कई बार दो से अधिक भी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपकी ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज किस किस का मिश्रण है, तो ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन का मिश्रण है। और ब्रास है, ब्रास आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है। स्टील है, स्टील में आपकी तीन चीज़ें हैं, आयरन, कार्बन ऑन और क्रोमियम। और फिर स्टेनलेस स्टील है, स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों अलग हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन, कार्बन, निकेल भी मिला हुआ है, और इसमें सिर्फ तीन है, इसमें चार मिल गए, ठीक है। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील स्टील से भी अच्छी होती है, ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। फिर आपका आ जाता है फूड के किस किस तरह से बनाया जाता है, कुकिंग फूड देख लीजिए। रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना, ठीक है। तो भून के हम क्या क्या खा सकते हैं, सूट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, और कॉर्न और चिकन, ये चीज़ें क्या है, हम भून के खाते हैं। फिर है आपका बॉयलिंग, बॉयल करके क्या खाते हैं हम, पोटैटो, आलू बॉयल करते हैं, राइस बॉयल करते हैं और एग बॉयल करते हैं। फिर
फिर आपका फ्राइंग, फ्राई क्या क्या किया जाता है, पूड़ी है, पकौड़ी है, समोसा है, ये सारी चीज़ें आपकी फ्राई की जाती हैं। फिर है बेकिंग, बेक करना, यानी केक है, चपाती है, बिस्किट है, इनको हम क्या है बेक करके खाते हैं। फिर है आपका स्टीमिंग, यानी भाप के द्वारा, भाप से क्या क्या बनता है, तो भाप से आपकी इडली बनती है, ढोकला बनता है, मोमोज बनते हैं और पोहा भी बनते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लुई ब्रेल के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं कि लुई ब्रेल एक्चुअली, लुई ब्रेल के पिताजी क्या है, चमड़े का काम करते थे, तो उनके घर में कुछ नुकीले औजार थे। लुई ब्रेल जन्म से अंधे नहीं थे, जब वो 3-4 साल के थे तो अपने पिता के औजार लेके ऐसे खेलने लगे, और खेलते खेलते एक औजार उनकी आँख में घुस गया, और फिर वो एक से दूसरी आँख में इन्फेक्शन पहुँचा और उनकी दोनों आँखें खराब हो गई। फिर क्या हुआ, लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। ये डेट ऑफ बर्थ पूछते नहीं, वैसे पूछते हैं तो याद कर लीजिए, कर सकते हैं तो। फिर हम थोड़ा सा, इन्होंने एक्चुअली जिस स्क्रिप्ट का आविष्कार किया है उसके बारे में पूछते हैं, वो होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। अंधे लोग जो होते हैं, जो देख नहीं सकते, छू के महसूस करके पढ़ते हैं, तो वो स्क्रिप्ट होती है ब्रेल स्क्रिप्ट, और उसका आविष्कार इन्होंने ही किया था। इसका उपयोग सेना में भी किया जाता था, जहाँ अंधेरे में पढ़ने के लिए। और इसका क्या था, स्क्रिप्ट इज मेड अप ऑफ 6 डॉट्स एंड दीज डॉट्स आर रेज्ड ऑन अ थिक पेपर एंड दे कैन वी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन देम। तो मतलब ये क्या है, 6 डॉट पर वेस्ट थी, ये जो होती है आपकी ब्रेल स्क्रिप्ट, इसके 6 बिंदियों पर, इनकी ABCD लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की होती है। तो इसमें क्या है, ये उसके अल्फ़ाबेट हैं, पंक्चुएशन है, साइन है, ये सारे इससे मिलके आपकी, और ये कागज़ पे छेद करके, किसी नुकीले उससे छेद करके लिखा जाता है इस स्क्रिप्ट में, ताकि कागज़ दूसरी साइड क्या है उभर जाता है, उसमें छेद होगा तो दूसरी साइड वो उभर जाएगा। इस तरह से ये स्क्रिप्ट कागज़ पे लिखी जाती है, फिर उस पर हाथ से टच कर करके आप पढ़ते हैं, जो देखने में सक्षम नहीं है वो लोग। जैसे और क्या था इनके बारे में, यही कि ये लिपि जो 6 डॉट से बनी है, इन डॉट्स को एक मोटे कागज़ पर बनाया गया है, वही सेम चीज़ लिखी जो मैंने भी बताई है। फिर क्या है, फिर कुछ व्हेन वी गेट हर टर्मरिक विथ मिल्क वर्क एज हीलर, तो जब हमें चोट लगती है तो दूध और हल्दी मरहम की तरह काम करते हैं। तो ये तो काफ़ी पुराना है, और पुरानी चीज़ें हैं एक्चुअली, क्या है, NCERT बुक्स में आप देखेंगे तो NCERT बुक्स में आपको रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ें मिलेंगी, और इसलिए आपको वो चीज़ें समझने में भी आसानी रहती है। और पढ़ने का मतलब क्या है, यही है ना कि उसका हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकें, जो नॉलेज हमने गेन किया है, पढ़ा है, लिखा है। सिर्फ किताबें हम सिर्फ इसलिए तो नहीं पढ़ते हैं कि बस पढ़ी, आंसर किया, मार्कशीट हासिल की, काम ख़त्म। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो हमारी डेली लाइफ में भी काम आए। ठीक है, दूसरा है इन स्टमक एग, तो जो पेट दर्द होता है ना, उसमें क्या है, सौंठ और अजवाइन पानी के साथ आराम पहुंचाते। जब आपको पेट दर्द हो तो आप सौंठ और अजवाइन पानी में मिला के पीजिए तो आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट है इन कफ एंड कोल्ड, तुलसी, जिंजर, क्लॉफ गिव्स रिलीफ फ्रॉम इट, तो तुलसी, अदरक, लौंग ये खांसी और जुकाम में क्या है, आपको आराम देते हैं। फिर है आपके दांतों के दर्द के लिए आप, काफ़ी समय से पुराना है कि लौंग का तेल और लौंग दर्द होता है तो दबा लेते हैं, तो वही चीज़ कि दांतों के दर्द में क्या है, लौंग आपको आराम पहुंचाती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। टेली कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग ओवर अ डिस्टेंस, कम्युनिकेशन मतलब संचार और टेली कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार, जहाँ हम किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति से संचार करें। ये आप, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी एक तरह से टेली कम्युनिकेशन ही कहलाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ, आप वहाँ देख पा रहे हैं, और ये एक तरह से मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन आर टेलीग्राम, मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन, सैटेलाइट फोन, रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा। ठीक है, तो दूर संचार के ये उदाहरण हैं। सबसे पहले क्या था, लेटर था, टेलीग्राम, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन, सैटेलाइट फ़ोन, रेडियो, ये सब क्या है आपके कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन यानी दूर संचार के साधन हैं। जो पहले लेटर था, टेलीग्राम, फिर फ़ोन आया, मोबाइल आया और कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, इनके द्वारा हम
संपर्क कर पाते हैं, एक दूसरे से अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं, अपनी जो भी बात होती है। अब यहाँ आ जाता है मास कम्युनिकेशन, मीन्स द इम्पार्टिंग ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन में क्या है, ज़्यादा लोगों से एक साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जनसंचार का अर्थ है एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को सूचना प्रदान करना या आदान करना। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो उसमें क्या है, कोई एक तो देखेगा नहीं ना, काफ़ी सारे लोग देखेंगे इसको, तो ये हो गया आपका मास कम्युनिकेशन। न्यूज़ है, न्यूज़ को एक इंसान नहीं देखता है, न्यूज़ मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, मास कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों को सूचना प्रदान की जाती है किसी के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड फिल्म्स। तो जनसंचार के विभिन्न साधन समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्में हैं। तो वही बात मैंने कहा, जहाँ ज़्यादा लोग देखें, जुड़ें। नेक्स्ट है गुटूर इज़ अ स्मॉल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो गुटूर क्या है, आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर। ये प्रश्न पूछते हैं सीटेट में कि गुटूर किस प्रदेश में आता है, इसलिए यहाँ ये डाला हुआ है। फिर है मोलन इज़ अ विलेज इन आसाम। तो मोलन एक आसाम का गांव है। अब यहाँ थोड़ा सा हमारी जो थीम्स हैं ना, मकान, भोजन, पानी, और इसीलिए उनसे रिलेटेड यहाँ प्रश्न है। क्या है आपकी बेसिक नीड्स जो होती हैं, भोजन, इंसान को जिंदा रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो वही आपकी ईवी इसमें थीम्स हैं। तो जानवर भी हैं, लेकिन यहाँ हम आज हमने किसके बारे में, जानवर के बारे में पढ़ लिया, फूड के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा रहन सहन के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस स्टेट में किस तरह के घर होते हैं। तो घर क्या है, जो लोग होते हैं वहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो चीज़ वहाँ उपलब्ध हो उसी से तो बनाएंगे, और जो वहाँ के लिए सुटेबल हो। जैसे आसाम है, आसाम में क्या है, बांस के घर बने होते हैं। हाउस आर मेड 12 फीट एवम ग्राउंड ऑन बम्बू पिलर। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि आसाम में जो घर बने होते हैं ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे बने होते हैं, 10 से 12 फीट या 12 फीट, ऐसे ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो आप आंसर आपको याद रखना है 12 फीट। फिर है सेम है, बांस के खंभों पर ज़मीन से 12 फीट की ऊपर मकान बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं, आसाम में बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है, इस वजह से ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनाए जाते हैं घर। रूफ आर स्लॉपी एंड स्लैंटी इन हाउस ऑफ आसाम एंड मनाली। तो जो छत ढलानदार और कैसी होती है, तिरछी, कहाँ पर होती है, आसाम और मनाली में। फिर है हाउस आर मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड इन मनाली। तो मनाली में क्या है, मकान पत्थर, पत्थर वहाँ पहाड़ वगैरह हैं तो पत्थर भी आसानी से मिल जाता है, और लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। इस तरह के ये स्लैंटिंग रूफ इसलिए होती है रूफ की, ताकि पानी उस पर जमा ना हो जाए, ठीक है, और ज़मीन से उठे भी इसलिए होते हैं ताकि ज़मीन पानी घरों में जल्दी से भर ना जाए, बारिश होती है काफ़ी तो इसलिए। नेक्स्ट है आपका हाउस आर जनरली मेड अप ऑफ मड एंड द वॉल आर थिक एंड प्लास्टर्ड विथ मड एंड रूफ आर मेड अप ऑफ थ्रोनी बशेज। तो ये बात कर रहे हैं आपकी यहाँ पे किस तरह के घरों की, कि जहाँ पर घर आमतौर पर मिट्टी से बने होते हैं। तो मिट्टी के घर कहाँ बने होते हैं, दीवारें मोटी और मिट्टी से बनी होती हैं, छत कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ऐसा आपके ये घर होते हैं आपके राजस्थान में, क्यों, क्योंकि वहाँ एक तो ये कटीली झाड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं, दूसरा वहाँ गर्मी बहुत है तो ये जो मिट्टी घर होते हैं उनमें ठंडक रहती है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी आपकी हीट की कुचालक है, इसलिए ये मिट्टी के घर बने होते हैं। और दूसरा बात है कि फर्श को गोबर से काटा नहीं, लीपा जाता है, क्या बोलते हैं, यह घर में कीट के प्रवेश को रोकता है। तो घर आप जानते हैं, गोबर आप जानते हैं, इसलिए लीपते थे ताकि कीड़े मकोड़े ना आए, ठीक है। द फ्लोर इज मोब्ड विथ गोबर, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इंसेक्ट इन हाउस। तो कीटनाशक होता है इसलिए गोबर से घर को लीपा जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे राजस्थान के घर ऐसे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि सबके घर ऐसे होते हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों के ऐसे होते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि कोई IAS ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, तो उसके ही भी घर ऐसे होंगे क्योंकि उसमें ठंडक मिलती है। तो ऐसा नहीं है, घर एक्चुअली आपकी जीवन शैली पर भी आधारित होते हैं। जो जैसा एफर्ट कर सकता है, जो जैसा जिस लायक है,
तो उनके घर एसी, वो अपने घरों में एसी लगा सकते हैं, तो वो उस तरह से ठंडा कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो, या फिर थोड़ा कह सकते हैं जीवन शैली से रिलेटेड, इसलिए इनके घर ऐसे होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है, इन कश्मीर पीपल यूज शिकारा टू लिव विच इज़ फाउंड ऑन डल लेक ऑफ श्रीनगर एंड अदर बॉर्डर बॉडीज ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर में लोग क्या है, शिकारा का घर की तरह रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि श्रीनगर की दल झील और कश्मीर के अन्य जल निकाय में पाया जाता है। तो ये आपके जो हाउस बोट होते हैं, बोट के घर होते हैं, वहाँ श्रीनगर के लोग क्या है, इसको घर की तरह रहने में यूज करते हैं। डल लेक है, वहाँ रहते हैं, अपने नाव में ही रह रहे हैं, खा रहे हैं, वहीं उसी को अपना घर बना लिया है। इसी तरह के घर वहाँ काफ़ी बने होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। बड़े बड़े घर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है मुझे अब याद नहीं आ रहा, बताऊंगी, थोड़ा याद आ गया तो। फिर है चार चिनार डल लेक, ये तो डल लेक है, लेकिन वहाँ किस तरह से घर बने होते हैं, इस तरह से घर बने होते हैं पानी के अंदर, तो ये आपके होते हैं जम्मू कश्मीर में डल लेक में। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन करेंगे फिर हम